हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube वीडियो में। इस YouTube वीडियो के माध्यम से आज हम एनालिसिस करेंगे और ये लर्निंग वीडियो है, ना कि कोई भी ट्रेडिंग पर्पस से व्यू दिया जा रहा है। और इस व्यू के बेसिस पे जो भी स्टॉक की एनालिसिस इस लर्निंग के लिए करूँगा, ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस से, ना कि ट्रेडिंग पर्पस से। यदि आप कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं हमारे इस व्यू पे और उसमें कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है, उसके हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये लर्निंग वीडियो में आपको एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग सीखने को मिलेगा कि किसी भी स्टॉक को खरीदने और बेचने से पहले 360 डिग्री की एनालिसिस कैसे की जाती है, शॉर्ट टर्म के पर्पस से या इंट्राडे के पर्पस से। तो उसकी हम लर्निंग देंगे। उससे पहले, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करते रहें। तो स्टॉक की 360 डिग्री एनालिसिस करना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब ओवरब्राउट जोन से भी स्टॉक बहुत अच्छा खासा रिटर्न देता है तेजी के साइड में, और लेकिन उसमें फंसने के चांसेस ज़्यादा होता है। और कभी कभी स्टॉक नीचे की तरफ से लगभग 50% मूव दे चुका है और उसमें भी अगर हम एंट्री करते हैं बाई साइड में तो फंसने के चांस होता है, सेल करते हैं तो भी फंसने के चांस होता है। तो कौन से स्टॉक को खरीदें या कौन से स्टॉक को बेचें और कैसे बेचें, कौन से लेवल कटे तो बेचे, तो 360 डिग्री एनालिसिस जोड़ी है। तो वो 360 डिग्री एनालिसिस हम इस अपने सॉफ्टवेयर के बेसिस पे कैसे करेंगे, और बहुत सारे लोग इस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो उनको भी मैं, ये एक तरीके से उनके लिए ट्रेनिंग वीडियो होगा। तो 360 डिग्री एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले ये वोलेटिलिटी एनालिसिस जो होती है हमारी वीकली बेसिस पे, ये दर्शाता है कि सबसे ज़्यादा स्टॉक कौन से ब्रेकडाउन में आ गया है या ब्रेकआउट में आया है। तो आप देख रहे हैं ब्रेकडाउन में 60% स्टॉक ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ये 20% ब्रेकडाउन में मूव कर रहा है, नो ट्रेडिंग जोन में है, मींस नो ट्रेड। तो नो ट्रेडिंग वाले को अवॉइड करना है। जिस ब्रेकडाउन का लगभग 80% स्टॉक, 80% स्टॉक कौन सा स्टॉक है, लाइक आप ये निफ्टी बैंक निफ्टी को तो इग्नोर कर देना है आपको, लेकिन ये लाइक 95% ब्रेकडाउन में बैंक ऑफ बड़ौदा है। अब इस तरीके से इसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं हम, तो 95% जो है बर्जर पेंट्स, कोल इंडिया, कोलगेट पामोलिव, गोदरेज इंडस्ट्री, हवेल्स, आईओसी, आईटीसी, ये सब 95% के जोन में है। मीन्स कि एक गिरावट के 95% के जोन में है ये स्टॉक। तो इट्स मीन्स ये स्टॉक ओवरसोल्ड में है, इस वीक के ओवरसोल्ड में है। तो कहीं ना कहीं इसमें राइज आ सकता है। मीन्स कि 360 डिग्री में आप 90 डिग्री आप इस चीज को देखो कि कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा गिर चुका है। तो 90 डिग्री 360 में 1/4 वैल्यूएशन इस चीज का होता है। तो अब हम देखते हैं लाइक बर्जर पेंट्स, कोल इंडिया, कोलगेट पामोली, कोलगेट पामोली की एनालिसिस करते हैं। अब कोलगेट पामोली की एनालिसिस में इंपॉर्टेंट ये हमने देख लिया कि ये लगभग जो इसका लास्ट टारगेट था इस हफ्ते का 1317 और 1227, तो 1273 और आज का जो लो है 1287, तो एग्जैक्ट ये ऑलमोस्ट मैच कर गया है और नीचे से ये 13 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में 90 डिग्री ये कंप्लीट होता है कि इस हफ्ते के ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ चुका है। फर्स्ट नंबर बात ये है। सेकेंड, हम मूविंग एवरेज से, टेक्निकल इंडिकेटर से एनालिसिस करेंगे कि इस स्टॉक का क्या कंडीशन है। तो मूविंग एवरेज पे आप देख रहे हैं कि 1400 के आसपास 20 डीमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, और 20 डीमा जो है इसका 1400 के आसपास है और 1300 का प्राइस चल रहा है। मीन्स कि ऑलमोस्ट 8% ये अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 50 डीमा के आसपास आ गया है, तो 50 डीमा कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। तो अब हम 50 डीमा का यूज करके इसमें ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो इसका भी आप 45 डिग्री इस चीज को लेना पड़ेगा कि मूविंग एवरेज के बेसिस पे किस तरीके से, बहुत सारे इंडिकेटर होता है, इसमें से एक इंडिकेटर हमने मूविंग एवरेज को फॉलो किया। फर्स्ट हमने वीकली ओवरसोल्ड टेरिटरी वोलेटिलिटी के बेसिस पे निकाला, जिसपे 25% हम मार्क्स उस पर देते हैं, 12.5% मार्क्स जो 45 डिग्री होता है 360 डिग्री में अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो 45 डिग्री मूविंग एवरेज को देखते हैं कि क्या एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ चुका है। तो ये 50 डीमा के आसपास ये स्टॉक आ चुका है। तीसरा,
25 डिग्री आप आरएसआई को भी देखेंगे तो आरएसआई 42 पे आया है, तो आरएसआई कोई वैसा नहीं दिखा रहा है कि ओवरसोल्ड में है, लेकिन ओवरबॉट जोन में भी नहीं है। ये पीछे बहुत अच्छा खासा राइज हुई थी इस स्टॉक में, लगभग 1565 से ये 250 रुपया स्टॉक नीचे की तरफ फॉल किया है। तो ओवरऑल लगभग 65 के आसपास, 60 के आसपास आड़े से ही चला गया, तो वहाँ से 40 के आसपास आ गया, तो 40 एक सपोर्ट के तौर पे, एक मिड टर्म रेंज में अगर देखा जाए बाई ऑन डीप और सेल ऑन राइज के स्ट्रेटजी वाले जो स्टॉक होते हैं उनका 40 पे बहुत अच्छा सपोर्ट होता है। तो उस तरीके से भी ये स्टॉक एक सपोर्ट के तौर पे दिख रहा है। तो यहाँ पे हम इसमें ये देख रहे हैं कि 45 डिग्री में इसमें हम 12.5% में 8% मार्क्स इसको भी देंगे। तो ओवरऑल हम 90 डिग्री, 45 डिग्री और नेक्स्ट 45 डिग्री, यहाँ से भी दिख रहा है कि लगभग 180 डिग्री में हम 150 डिग्री हम पार कर चुके हैं। बिल्कुल बाई ऑन डीप स्ट्रेटजी वाला ये स्टॉक है। अब थर्ड पैरामीटर क्या होता है, थर्ड पैरामीटर ये देखना होता है कि पीछे के वीक से कितना मूवमेंट इसमें डाउनसाइड हो चुका है, और उसके लिए ये दिख रहा है कि लगभग 250 रुपया, ये पहले भी हमने स्टडी शेयर किया कि 250 रुपया ऊपर के लेवल से अच्छा खासा फॉल किया है, और ये 250 रुपया टेक्निकल लेवल के बेसिस पे जो वीकली लेवल जो है ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऊपर से जो फॉल है 1395, वीकली टारगेट इसका 1395 आ रहा है, इसके नीचे ये ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम बहुत ओवरसोल्ड टेरिटरी में चले गए हैं, और गैन एंगल के बेसिस पे इस स्टॉक में लगभग जो गिरावट हुआ है, ये जो गिरावट हुआ है लगभग 720 डिग्री, 720 डिग्री के आसपास फॉल हो चुका है, और ये 630 डिग्री पे सपोर्ट लिया है। तो ये कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड टेरिटरी में है गैन एंगल के बेसिस पे भी। तो ओवरऑल मेरा इसमें अगर 45 डिग्री देखा जाए तो ये भी यहाँ भी ये दर्शा रहा है कि इस स्टॉक में एक बाउंस बैक आ सकता है। सेकेंड, अब बात करेंगे एफ एंड ओ एनालिसिस। एफ एंड ओ एनालिसिस क्या बोलता है, तो एफ एंड ओ एनालिसिस में ये दिख रहा है कि इस स्टॉक में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, और कल अगर इस स्टॉक में पोजिशन लेना है तो ये दिख रहा है कि 3% ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, वॉल्यूम में भी 4% ऐड हुआ है, और प्राइस 40 रुपया नीचे से फॉल किया है, लेकिन ऊपर से फॉल किया है लेकिन नीचे से कितना संभला है, लगभग 13 पॉइंट नीचे से संभला है। तो ओपन इंटरेस्ट भी ह्यूज ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, इट्स मीन्स ये शॉर्ट बिल्डअप कैंडिडेट है, अभी भी शॉर्ट बिल्डअप कैंडिडेट है। लेकिन हमने जो अभी तक एनालिसिस किया मूविंग एवरेज के बेसिस पे, वोलेटिलिटी के बेसिस पे, इस हफ्ते के जो डाउन साइड, मैक्सिमम डाउन साइड जो टारगेट है उसके बेसिस पे, कहीं ना कहीं ये स्टॉक बॉटम बना चुका है। लेकिन एफ एंड ओ की एनालिसिस अगर हम इसकी इम्पोर्टेंट अगर देखते हैं, इसकी इम्पोर्टेंट अगर हम 180 डिग्री के बाद नेक्स्ट 180 डिग्री एफ एंड ओ पे शिफ्ट करते हैं, तो 180 डिग्री के बेसिस पे इसका 90 डिग्री अगर एनालिसिस करते हैं तो 90 डिग्री में ये एक तरीके से बेयरिश पैटर्न, बेयरिश सिग्नल दे रहा है। अब नेक्स्ट 90 डिग्री हम ऑप्शन एनालिसिस की बात करेंगे। ऑप्शन एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन एनालिसिस जरूर आपको देखना चाहिए। ऑप्शन एनालिसिस ऑप्शन चेन के बेसिस पे जाके देखिए कि किस तरीके से इसमें कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, और वो उस पर भी 90 डिग्री में 90 डिग्री पॉइंट मिल जाता है, तो इस एफ एंड ओ को आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखना है कि क्या ये शॉर्ट बिल्डअप लॉन्ग बिल्डअप में कन्वर्ट हो रहा है या शॉर्ट कवरिंग में कन्वर्ट हो रहा है। शॉर्ट कवरिंग मीन्स स्टॉक में प्लस होगा और ओपन इंडेक्स घटेगा, ओपन इंडेक्स घटे और प्राइस में इंक्रीज हो, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट वाले लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इसमें ब्रेकआउट दिखेगा और फिर तेजी दिखेगा, तो नेक्स्ट वीक में हम इसमें ब्रेकआउट ढूंढ सकते हैं। तो इस तरीके से कल अगर वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है तो इस स्टॉक में इंट्राडे के बेसिस पे ये स्टॉक 1332, ये स्टॉक रॉकेट नहीं हो जाएगा, ये स्टॉक कैसा करेगा, नेक्स्ट डे अगर शॉर्ट कवरिंग होगा तो शॉर्ट कवरिंग में क्या होगा, 1330 रुपये तक जाएगा, फिर आकर के नीचे ऊपर नीचे ऊपर करते हुए फिर नेक्स्ट वीक के लिए स्टॉक तैयारी करेगा तेजी के लिए। ये एक तरीके से मेरा एनालिसिस है। इस एनालिसिस के बेसिस पे इस स्टॉक को खरीदने या बेचने का मेरा खरीदने बेचने की कोशिश नहीं करना है, ये एनालिसिस आपके लर्निंग के लिए है। इस तरीके के लर्निंग के लिए आपको जुड़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर फॉलो कीजिए, और कोशिश रहेगी कि मैं इस तरीके की लर्निंग लेकर के आता रहूं। 360 डिग्री एनालिसिस
एज फॉर टेक्निकल सॉफ्टवेयर जो है हमारा, इसके बेसिस पे हमने किया, हम आने वाले चार्ट के बेसिस पे भी करेंगे। तो इस तरीके से हर टूल के अकॉर्डिंग जो भी आपके पास टूल है, उस टूल में जितने भी पैरामीटर्स हैं, उन सारे पैरामीटर को मिला करके अगर आप एनालिसिस करते हैं, वो सारे पैरामीटर को ऑब्जर्व करके देखना है, फिर जाकर के ट्रेडिंग डिसीजन लेना है। तो ये रहा स्टडी फॉर द कोलगेट पामोलिव का लर्निंग स्टडी, और इस लर्निंग में मैं ये निकल के आ रहा है जो मैंने व्यू दिया है एग्जैक्ट इस स्टॉक पे फिट बैठता है, और कल के ट्रेडिंग सेशन में देखा जा सकता है इस तरीके का मूवमेंट, नीचे 1270 पे सपोर्ट और ऊपर 1332 के आसपास रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाता है 1332 ब्रेक हो जाता है तो 1350 रुपये से ऊपर की भी तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। ये मेरा व्यू है, अगर ये व्यू अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो के।